हेलो प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय तीन प्रश्नावली तीन का दूसरा सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। क्वेश्चन है आपके पास दोस्तों, रूट ऑफ सेवन प्लस रूट ऑफ सेवन प्लस रूट ऑफ सेवन प्लस रूट ऑफ सेवन प्लस अप टू को हल कीजिए। ये हमारे पास प्रश्न है जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है। तो चलिए आज के लिए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो हल करने के लिए सबसे पहले ये जो हमारे पास संख्या होती है, ठीक है, इसे हम सबसे पहले क्या है, x के बराबर मान लेते हैं। तो चलिए माना x बराबर रूट ऑफ सेवन प्लस रूट ऑफ सेवन प्लस रूट ऑफ सेवन प्लस रूट ऑफ सेवन प्लस अप टू। इस प्रकार से हमने जो भी हमारे पास संख्या दी गई है उसको हमने किसके बराबर मान लिया, x के बराबर मान लिया। तो इस प्रकार से अगर हम मान लें तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये तो हो गया हमारे पास क्या है, x का मान, ठीक है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, x प्लस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है, x इक्वल टू ठीक है रूट ऑफ सेवन, ठीक, प्लस अब जो हमारे पास रूट ऑफ सेवन का बार है उसको हमने क्या माना है, x माना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x लिखेंगे, क्योंकि x के बराबर ही हमारे पास ये संख्या दर्शाई गई है। अब क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मिला x इक्वल टू रूट ऑफ सेवन प्लस एक्स इतना मिला, तो इसे हम क्या करेंगे, इस वर्ग मूल को हटाने के लिए दोनों पक्षों क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो चलिए दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। चलिए हम दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ये x का स्क्वायर इक्वल टू, इसका भी वर्ग कीजिए, रूट ऑफ सेवन प्लस एक्स क्या हो गया, होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए स्क्वायर जो है और रूट ऑफ क्या हो जाएगा, कैंसिल, मिला आपके पास क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू सेवन प्लस एक्स, ठीक है। अब इसे हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अभी द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त नहीं हुए, तो इसे हम क्या कर देंगे, इन दोनों को ही क्या कर देंगे, इधर पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो चलिए देखते हैं पक्षांतर करने के साथ क्या मिलता है। पहले से है एक्स स्क्वायर, ये देखिए उसके बाद एक घातांक के रूप में लिखना पड़ता है, एक्स स्क्वायर के बाद एक घातांक वाला लिखना पड़ता है, तो एक्स को पहले ले जाइए, तो यहाँ पर ये जो प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और ये जो आपके पास प्लस है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस सेवन इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। अब चूंकि हमको द्विघात समीकरण हल करना है जो कि पूर्ण वर्ग विधि में ही आपके पास उपलब्ध होती है, हालांकि द्विघात समीकरण को हम आज के डेट में सूत्र विधि, पूर्ण वर्ग विधि और गुणनखंड विधि, इन तीनों विधि से हल कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इस अध्याय में, अध्याय तीन में पूर्ण वर्ग विधि का इस्तेमाल किया गया है, तो हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ पर पूर्ण वर्ग विधि से हल ऐसे करके। तो चलिए पूर्ण वर्ग विधि में हल करने के लिए क्या करते हैं, ये जो तृतीय पद है उसको हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू, ये जो आपके पास माइनस है इसको हम क्या कर दिए, इधर पक्षांतर के पास क्या कर लिए, प्लस कर लिए। जैसे कि जानते हैं कि हमारे पास जो पूर्ण वर्ग विधि वाला जो सूत्र मिलता है, उस सूत्र में सामने में क्या आता है, यहाँ पर 2x आता है, तो उसको 2x रूप में लाने के लिए सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक्स स्क्वायर पहले से है, अब यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, 2x रूप में लिख दिया। लेकिन बात यहाँ पर आ गई कि यहाँ पर 2 नहीं था, तो ये जो 2 लाए हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ताकि ऐसे मान लो जैसे इसको हल करते हैं तो 2 + 1 = 2 खत्म हो जाएगा, जैसे कि तैसे हमारे पास क्या मिल जाएगा, x बस मिल जाएगा। तो आपको ऐसी संख्या लेनी है, सामने जो सूत्र की वजह से हमने लिया है, इस कारण से 2 लिया है, तो 2 को ख़त्म करने के लिए 1/2 का हमने गुणा किया है, इस बात को ध्यान रखिए, ताकि इसको हल करने पर जैसे तैसा हमको मिले। अब बराबर कितना मिल गया हमारे पास, 7 मिल गया। इस प्रकार से 2x का गुणांक कितना मिला, 1/2 मिला। इस 1/2 का दोनों पक्षों में, डेफिनेट बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष में वर्ग करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं दोनों पक्षों में 1/2, क्योंकि 2x का गुणांक कितना मिला, 1/2 का वर्ग कर जोड़ने। तो चलिए सबसे पहले ये दोनों पक्षों हम वर्क करते हैं और वर्क करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए बाएं पक्ष में सबसे पहले ये काम करें, 2x इंटू 1/2, और यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं 1/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड में 7 प्लस
वन अपॉन टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। इस प्रकार से आपने देखा कि हमारे पास दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, दोनों पक्षों में एक बटे दो का वर्क किया और वर्क करने के पश्चात दोनों को क्या कर दिया, हमने जोड़ दिया दोनों तरफ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे पास देखो ये सूत्र के भी नजर आ रहा है, क्योंकि पूर्ण वर्ग विधि में क्या है सूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। सूत्र क्या है एक बार आपको बता देता हूँ मैं, चूँकि एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स ए प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर के रूप में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर है, टू एक्स की जगह टू एक्स है और ए की जगह आपके पास क्या मिला, वन अपॉन टू मिला है। ठीक है, और अगेन ए का स्क्वायर की जगह वन अपॉन टू का होल स्क्वायर मिला है। तो हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये बराबर किसके होता है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर के रूप में होता है। तो हम इसको भी हम क्या है संक्षिप्त रूप में इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे एक्स की जगह एक्स माइनस ए की जगह क्या मिला था हमारे पास, वन अपॉन टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, चूँकि है इसलिए ये इस प्रकार से ऐसा हो गया। बराबर इधर देखिए हमारे पास मिला है सेवन प्लस वन का स्क्वायर करेंगे कितना मिलेगा, वन ही। ठीक है, और टू का स्क्वायर करेंगे कितना मिल जाएगा, फोर। इस प्रकार से सेवन प्लस वन अपॉन फोर मिला। इसके नीचे कुछ नहीं, एक इनको हल करते हैं तो लसा लेंगे कितना मिल जाएगा हमारे पास, एक और चार का लसा लेंगे कितना मिल जाएगा, चार। ठीक है, इधर हमारे पास बाईं तरफ सेम है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, जैसे तैसे इसको उतार दीजिए। अब जैसे एक और चार का लसा हमने चार लिया तो इसको हल करते हैं, त्रिया गुणा कर दीजिएगा, सात चौक अट्ठाईस प्लस एक एकम एक। इस प्रकार से अट्ठाईस और एक कितना हो जाएगा, उनतीस हो जाएगा, उनतीस बटे कितना हो जाएगा, चार। और हमारे पास बाईं ओर सेम ना एक्स माइनस वन अपॉन टू का क्या होल स्क्वायर, इसको उतारते चले जाइए। क्योंकि हमारा उद्देश्य जो है एक्स का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे इस वर्ग को इधर क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए पक्षांतर कर दीजिए, तो एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू, जैसे कि जानते हैं कि वर्ग को पक्षांतर करते हैं तो वो कैस में चला जाता है, वर्गमूल में चला जाता है। तो ये हो जाएगा 29 अपॉन कितना हो जाएगा, 4। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि हमारे पास 29 का वर्गमूल जो होता है दशमलव में आता है, पूर्णांक के रूप में नहीं आता, और ये हमारे पास 4 है उसका होता है। तो हमको दशमलव नहीं लाना है, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता उसे आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखें एक्स माइनस वन अपॉन टू का टू इक्वल टू, ये जो रूट ऑफ 29 है उसको उसके ऊपर बस रखेंगे, बिकॉज उसका आपके पास पूर्णांक नहीं मिल रहा है। ठीक है, पूर्ण वर्गमूल नहीं मिल रहा है, सिर्फ चार का मिला है, चार का कितना होता है, दो मिलता है। जो भी इस वर्गमूल से निकलता है, जैसे जानते हैं प्लस माइनस दोनों होता है, तो प्लस माइनस रूट ऑफ 29 अपॉन कितना हो गया, टू। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 29 का वर्गमूल नहीं है, इसका आंसर वर्गमूल इसके ऊपर है। ठीक है, और यहाँ पर 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, इसका आंसर हम इस पर वर्गमूल नहीं है क्योंकि ये बाहर निकल गया प्लस माइनस के रूप में। अब देखिए हमारे पास प्लस और माइनस दोनों हो सकता है इसका मान। ठीक है, इसका आंसर पहली स्थिति में हम धन चिन्ह लेंगे, दूसरी स्थिति में क्या लेंगे, ऋण चिन्ह लेंगे। तो चलिए हम धन चिन्ह और ऋण चिन्ह लेकर इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले काम जो हमारे पास दिया गया था, क्या दिया गया है, प्लस चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो प्लस चिन्ह लेंगे तो उस कंडीशन में पहले से आपके पास मौजूद है एक्स माइनस वन अपॉन टू इक्वल टू। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके पास देखिए ये क्या है, ये जो सामने में चिन्ह दिया गया प्लस माइनस, उसी में से क्या लेना है, इस बार प्लस लेना है। ठीक है, तो प्लस को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, डायरेक्ट हम देखिए रूट ऑफ 29 ठीक है अपॉन कितना हो जाएगा, टू। सामने कुछ मतलब प्लस रहता ही है, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब हमको एक्स का मान चाहिए तो वन अपॉन टू को क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए पक्षांतर करने पर पक्षांतर करेंगे तो एक्स इक्वल टू, ये माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो रूट ऑफ 29 अपॉन टू माइनस है इधर जाके क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू प्लस में। ठीक है, एक यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमारे पास इन दोनों का लस लेंगे, हल कीजिएगा इसको तो कितना मिलेगा, दो ही मिलेगा, दो एकम दो, एक बार गया भागफल तो एक के साथ करने 29 का गुणा करेंगे तो उतना ही मिलेगा, प्लस दो एकम दो, फिर एक बार गया तो एक के साथ एक का गुणा कीजिए, एक एकम एक। हम ये जानते हैं कि हमारे पास एक जो होती है पूर्णांक संख्या और ये जो होता है वर्गमूल है, तो आप पूर्णांक संख्या को पहले रखते हैं और वर्गमूल को बाद में रखते हैं, इस कारण से इसको आप आगे पीछे कर दीजिए। ऐसे भी हमारे पास ये जो संख्या है जो दर्शाएगी ये दोनों धनात्मक राशि है, इस कारण से आगे पीछे करने से किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर प्लस कर दिए, प्लस को सामने ला लिए वन को
और ये करणी 29 को हमने बाद मिला लिया और बटे दो, क्योंकि नियमता पूर्णांक संख्या जो रहती है उसे पहले रखते हैं और जो हमारे पास वर्गमूल वाली संख्या रहती है उसे हम बाद में रखते हैं। तो इस प्रकार से प्लस चिन्ह लेने पर अर्थात धन चिन्ह लेने पर हमारे पास आंसर मिल गया। उसके बाद हमको ऋण चिन्ह लेना है, ठीक है। तो चलिए इस बार ये जो हमारे पास संख्या दर्शाई गई है ऋण चिन्ह वाला, हम उसको लेंगे। तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेंगे। तो चलिए देखिए, x माइनस 1/2 पहले से मौजूद है इक्वल टू, अब जो आपके पास ये जो प्लस था क्या हो जाएगा, माइनस लेंगे, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 29 अपॉन क्या हो जाएगा 2, और चूंकि हमने ऋण वाला लिया है इस कारण से यहाँ पर कर दीजिएगा माइनस। फिर से हमारे पास x का मान निकालना है, तो इस कारण से 1/2 को क्या कर देंगे हम यहाँ पर पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करने पर पक्षांतर कीजिएगा तो x इक्वल टू, पक्षांतर करेंगे तो x इक्वल टू आपके पास जैसे तैसा माइनस रूट ऑफ 29 अपॉन कितना मिला 2, ठीक है। और यहाँ पर माइनस है, इधर जाके हो जाएगा प्लस 1/2। अब जरा देखिए 2 और 2 का फिर से लॉस लेंगे, ठीक है, तो आपके पास कितना मिलेगा, 2 ही मिलेगा, ठीक है। और 2 मिलने के पश्चात 2 एकम 2 इसका भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा, 1 बार गया तो 1 के साथ करनी 29 का गुणा करेंगे तो करनी 29 का 29 और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। यहाँ पर सामने प्लस है तो प्लस, 2 एकम 2 भागफल कितना मिला, 1 मिला, 1 के साथ 1 का गुणा कीजिएगा कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पूर्णांक भी संख्या है और धनात्मक भी संख्या है, ऐसा नियम होता है कि हमारे पास धनात्मक संख्या पूर्णांक संख्या को सामने रखना पड़ता है और ऋणात्मक या जो वर्गमूल संख्या होती है इसे बाद में रखना पड़ता है। तो जैसे हमने पहले आगे पीछे किया था सवाल में, इसमें ठीक वैसे ही इसमें भी हम क्या कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। तो यहाँ पर ये जो है प्लस है सामने, तो यहाँ पर प्लस, ठीक है, और करनी 29 जो है यहाँ पर माइनस के रूप में है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, माइनस रूट ऑफ 29 अपॉन कितना हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपके पास x के 2 मान मिले, प्लस धन चिन्ह लेने पर और माइनस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ पर आप निष्कर्ष दे दीजिएगा, अतः x बराबर पहले जो मिला था आपके पास मान 1 प्लस रूट ऑफ 29 अपॉन 2 व 1 माइनस रूट ऑफ 29 अपॉन 2 होगा, और यही क्या है आंसर। सवाल आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।